लुकमान हकीम की नसीहतें। नंबर एक, ए मेरे बेटे, किसी को लोगों के सामने कभी भी शर्मिंदा ना करो। अगर किसी की इस्लाह करना मकसूद हो तो अकेले में करो। नंबर दो, ए लोगों, इल्म तुम्हें राह दिखाता है और मकसद तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। नंबर तीन, जिंदगी में तीन लोगों को कभी भी मत भूलना। नंबर एक है मुसीबत में साथ देने वाले को, दो पर है मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और तीन पर है मुसीबत में डालने वालों को। इन लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो अब चलते हैं नंबर चार पर। ए मेरे बेटे, जाहिल लोगों से दूरी अपना लो, उनकी मोहब्बत से परहेज करो। ऐसा ना हो कि वह तुम्हें भी अपने जैसा बना ले। नंबर पांच, बदनजरी से बचना चाहते हो तो सूरह यूसुफ की तिलावत किया करो। नंबर छह, खुश रहने का सिर्फ एक ही राज है कि उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखो, किसी औरों से नहीं। नंबर सात, ए मेरे बेटे, बात करने के दौरान आवाज हमेशा नरम रखो, क्योंकि चीखना चिल्लाना इंसानों का काम नहीं है। नंबर आठ, एक अच्छा दोस्त हमेशा आपके सामने बुराई ही करेगा, पीठ पीछे नहीं करेगा। नंबर नौ, मेरा मशवरा यह है कि जो आज कर सकते हो वो कल पर मत डालो, क्योंकि देर करना वक्त का चोर है। नंबर दस, ए लोगों, जमीन से जब भी उठो बगैर किसी सहारे के उठो, इससे तुम्हारी उम्र बढ़ सकती है। नंबर ग्यारह, जब आप नाराज हो तो फैसला तुरंत ही ना करें, और जब आप खुश हो तो किसी से भी तुरंत ही वादा ना करें। नंबर बारह, ए मेरे बेटे, मैंने लोहा और पत्थर सब उठाए हैं, लेकिन कर्ज से ज्यादा वजनी चीज कोई नहीं उठाई। इसलिए अपनी जिंदगी में जितना हो सके कर्ज से बचना चाहिए। नंबर तेरह, हकीम लुकमान ने कहा है कि ए लोग, हिदायत को गौर से सुना करो। इसमें हिदायत करने वाले को कम और सुनने वालों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। नंबर चौदह, अक्लमंद अपने फैसले खुद करता है, पर जाहिल आवाम की राय पर अमल करता है। नंबर पंद्रह, ए मेरे बेटे, खुदा की जमीन पर अकड़कर ना चलो, क्योंकि अल्लाह ताला मगरूर और अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।